हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आंवला और मूंगफली की चटनी बताने वाली हूँ। ये हमें इसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। आंवला, धनिया पत्ता, प्याज, लहसुन छिले हुए, पुदीना, टमाटर, एलोवेरा, हरी मिर्च, अदरक, फ्रांस के फूल, मूंगफली के दाने, जीरा और नमक। हमने मूंगफली के दाने को इसको हल्का सा रोस्ट करके और इसका छिलका निकाल लिया है। और ये फ्रांस के फूल हैं, ये अधिकतर हिली एरिया होते हैं उसमें पाए जाते हैं। इसको मैंने भिगो के रख दिया है। अगर आपके पास ये है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं है तो इसके बगैर भी हम ये चटनी बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम मूंगफली को डाल देंगे। फिर जो हमने आंवला छील के और इसके मैंने बीज निकाल लिए हैं, काट लिए हैं, उसको ये डाल देंगे। धनिया पत्ते, प्याज, टमाटर, लहसुन, हरी मिर्च, अदरक और पुदीना, ये सब हम इसमें मिक्स कर लेंगे। इसके बाद जो हमने ये फ्रांस के फूल भिगो के रखा था, इसको हम निकाल के इसका पानी रहने देंगे और इसको निकाल के इसमें डाल देंगे। ये इस तरह के होते हैं, देखिए आप, रेड कलर का होता है, ये फूल होता है और ये हिली एरियो में पाया जाता है। अगर नहीं है आपके पास तो इसके बगैर भी बना सकते हैं आप चटनी। और ये नहीं, अगर आपके पास नहीं है तो ये पंसारी की दुकान होती है उसमें भी मिल जाते हैं, बहुत आसानी से मिल जाते हैं। इसके बाद हमने जो ये एलोवेरा रखा है, इसको हम इसका काट के और इसके अंदर का जो गुदा है उसको निकाल लेंगे। इसको हम इस तरह से काट लेंगे, दोनों साइड से, इसके जो साइड में जो है इसको काट के फिर हम इसका जो गुदा है इसको निकाल लेंगे। इस तरह से हमने इसका ये निकाल लिया, इसका गुदा, और इसमें डाल देंगे। ये हम खाली पौष्टिकता के लिए डालते हैं कि चटनी जो है अधिक पौष्टिक बने। हम इसमें जीरा डाल देंगे 1 चम्मच और नमक, नमक अपने स्वाद के अनुसार डालें, मैं 1/2 चम्मच डाल रही हूँ इसमें। हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेंगे इसमें, ताकि ये अच्छे से पिस जाए। इसको इसके बाद हम इसको पीस लेंगे। देखिए ये चटनी बनके तैयार है, मैं इसको प्लेट में निकाल लूंगी। अगर आप चाहें तो इसमें खट्टे की मात्रा अपने हिसाब से आप कम या ज्यादा कर सकते हैं, और आप इसको जरूर बना के खाएं, बहुत टेस्टी होता है ये चटनी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।